भारत का संविधान भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा लंबी बहस और विचार विमर्श के उपरांत बनाया गया। संविधान बनाने वाली सभा जिसे संविधान सभा कहते हैं, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके सदस्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, जनमत के विभिन्न विचारों और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त महान स्वतंत्रता सेनानी, न्यायविद और विद्वान सम्मिलित थे। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बलदेव सिंह जैसे कई महान राजनीतिक नेता थे। कुछ संविधान विशेषज्ञ थे जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर और श्री के एम मुंशी भी संविधान सभा के सदस्य थे। इस संविधान सभा के महत्वपूर्ण महिला सदस्य भी थे जिनके नाम श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। इस सभा का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से स्थायी सदस्य चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। बियान राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ एन गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, डी पी खेतान के बारे में कहा है। इनका क्या हुआ था, जब इनको इस कमेटी में लाया गया था तो एक साल बाद इनकी मौत हो गई थी 1948 में, तो इनकी मौत के बाद इनकी जो जगह खाली हुई थी उसमें टीटी कृष्णमाचारी को बैठा लिया गया और आखिरी सदस्य जो थे माधव राव, ये सब सदस्य थे। इस संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस पर लगभग 6,40,00,00,000 रुपए का खर्च आया। इस पूरी संविधान प्रारूप करने में संविधान के प्रारूप पर 114 दिन की बहस हुई। नया भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उस समय इसके कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि अभी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अंतर सिर्फ 4 अनुसूचियों का आया है जो बाद में संविधान संशोधन से जोड़ी गई। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये दिन 1930 से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। 20 साल पहले ही इसे कुछ घोषित कर दिया गया था कि कुछ भी अगर हम महत्वपूर्ण काम करेंगे तो इसी दिन करेंगे, जो कि 26 जनवरी 1930 से ही महत्वपूर्ण दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसी कारण प्रतिवर्ष इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।